नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए इतिहास की पूरक इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, तो हम लोगों ने 5 चैप्टर तक देख लिया था। पांच चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत फर्स्ट के नाम से आती है, और इस तरह से हम लोगों ने 5 चैप्टर देख लिया था। पांचवा चैप्टर हम लोगों ने देख लिया था राज्य राजा और प्राचीन गणराज। तो आज हम छठवां चैप्टर देखेंगे, नए प्रश्न नए विचार। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, और उसी तरह से जिस तरह से बाकी चैप्टर कंप्लीट हुए हैं वैसे ही यह भी चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। नए प्रश्न नए विचार 57 पेज पर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यही आपका चैप्टर आपको पढ़ना है, अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार। तो देखिए दोस्तों, यह एनसीईआरटी की बुक है, और एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी होता है आप लोग जानते हैं। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की दृष्टि से या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से एनसीईआरटी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों को अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं, बहुत कम कीमत पर परचेज करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों को आप लोग परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। साथ ही साथ आप लोग को बताना चाहूंगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ISPCS फ्री मटेरियल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप उसको अगर ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा। क्लास 1 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, और भी बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे कंप्यूटराइज्ड नोट्स, हैंडरिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल सकते हैं। तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तथा हमारा एक और चैनल है बुक्स अड्डा के नाम से है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैं बहुत सारी पुस्तकों का रिव्यू करता हूँ, बहुत सारे धार्मिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली पुस्तकें तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो भी पुस्तकें जरूरी हैं सबका रिव्यू हमारे द्वारा किया जाता है। न कि रिव्यू किया जाता है बल्कि उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूँ। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हम अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। और देखिए, इस हमारा चैप्टर करने का कंप्लीट करने का हमारा यही होता है कि हम इस जो भी अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार है, तो इस चैप्टर का मैं एक टेस्ट सीरीज आप लोगों को दे देता हूं, टेस्ट सीरीज हल करवाता हूं, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। जो भी चैप्टर टेस्ट सीरीज होता है बहुत ही सारगर्भित होता है, बोधगम्य होता है, और पूरा का पूरा वह टेस्ट सीरीज नए प्रश्न नए विचार पर ही आधारित है। मतलब इसी अध्याय 6 का ही मैं आपको टेस्ट सीरीज देता हूं, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से यह पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, जिससे आपका जो आगे का जो भी परीक्षा होता है, जो भी आप लोगों ने सपने देखे हैं, जो भी परीक्षा होता है, उन सब के लिए आप सभी लोग का जो बेस होता है वह भी मजबूत हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार का टेस्ट देते हैं, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट होगी, आप लोग जरूर जाइएगा और जाइएगा, बाकी वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही है अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न नए विचार यह जो अध्याय है उसका यह सभी प्रश्न आपके सामने हैं। वो नए प्रश्न नए विचार जो अध्याय है आपको दिखाया था, उसका पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज मैं आप लोग को सामने लाया हूं, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से इस अध्याय 6 को, नए प्रश्न नए विचार के इस अध्याय को हम लोग कंप्लीट करते हैं। पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज सारगर्भित टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरी की पूरी आपका अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो सारे पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, केवल एक, केवल दो, एक या दो, या न तो एक या न ही दो। तो देखिए, यह दोनों जो सिद्धांत हैं, यह दोनों सिद्धांत जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, मतलब विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिए, उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर ने कहा था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, अतः दोनों कथन सही है। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वज्जी संघ के लिच्छवी वंश के क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष की कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। दूसरा प्रश्न देखिएगा, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा को बताया है। तृष्णा का मतलब होता है लालसा। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा को बताया है। उन्होंने कहा, आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य
तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो यह दोनों कथन सही है दोस्तों, दोनों कथन सही है। तो उसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है। एक बात और कहूँगा कि यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है टेस्ट 7 इस पर आप ध्यान मत दीजिए, बस यह समझिए कि यह जो आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ यह क्लास सिक्स की चैप्टर 6 है, जो अध्याय आपको बताया हूँ नए प्रश्न नए विचार उसकी टेस्ट सीरीज है, बस ये ध्यान रखिए। तो यह 1 व 2 दोनों विकल्प सी, इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। बुद्ध ने जीवन में दुख का कारण त्रिफड़ा को बताया है, उन्होंने आत्मसंयम का मार्ग बताकर त्रिफड़ा से मुक्ति का उपाय बताया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 देखिए। बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया है, सांची में, सारनाथ में, भरहूत में या अमरावती में? तो कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया है, बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो है वाराणसी में है, वाराणसी में सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। तो यही एक स्तूप है सारनाथ में, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा। बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये शाक्यगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे। बुद्ध को बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें, परंतु इसका लेखन कार्य सामान्यतः पाली भाषा में हुआ है। मतलब बौद्ध ग्रंथ जो हैं वह पाली भाषा में लिखे गए हैं, बल्कि लेकिन बुद्ध के जो उपदेश दिए गए हैं वह प्राकृत में दिए गए हैं। बुद्ध और महावीर के जो भी उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में है। बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी कुशीनारा नामक स्थान पर हुई थी, जिसे कुशीनगर बोला जाता है। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। कथन है कारण है, कथन है साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकें। कारण क्या है, महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। तो कथन और कारण दोनों सही है, क्योंकि उस समय लोगों की जो जनभाषा थी वह प्राकृत भाषा में थी, इसीलिए महावीर और उनके अनुयायियों ने इस भाषा को ही अपने उपदेश का अंग बनाया। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, मतलब विकल्प ए जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देखिए। सामान्य बोलचाल की भाषा ही प्राकृत भाषा कहलाती थी। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा को मागधी कहलाती थी। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया ताकि आम लोग उसे समझ सकें, अतः विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। तो बिल्कुल सही है, जो संघ था उसमें भिक्षु भिक्षुणियाँ रहा करते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पीठक में मिलते हैं। देखिए सूत्र पीठक में भगवान बुद्ध का उपदेश है और जो विनय पीठक है उसमें संघ के नियम बताए गए हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है, दोनों सही है। कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा। संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम विनय पीठक नामक ग्रंथ में उल्लेखित हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। यह तो सही है, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, यह सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, तो यह भी सही है। सी देखिएगा। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, यह भी सही है। तो ए बी सी सही है। डी देखिएगा। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। देखिए विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश होने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि अपने पति से अनुमति की आवश्यकता होती थी, अतः विकल्प डी जो है यही सही नहीं है, बाकी जो है सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा। संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम का उल्लेख विनय पीठक में किया गया है। विनय पीठक से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। पुरुषों और स्त्रियों के लिए रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से, राजकर्मियों को अपने राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश के लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश के लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, न कि माता पिता से, ये बात। अतः कथन डी जो है वह गलत है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। कुछ शैलीकृत गुफाओं को बिहार कहते हैं। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
तो बिहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थान में बदल गया। तो यह तो सही है। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। तो यह भी सही है। वन और टू दोनों सही है। कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो वन और टू दोनों, मतलब विकल्प सी जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा। बिहारों के संदर्भ में उपरोक्त तो दोनों कथन सत्य है। महाराष्ट्र में स्थित कार्ले की गुफा बिहार का उदाहरण है। कार्ले का गुफा, जिसे कार्ले का चैत्य भी बोलते हैं, वह एक बिहार था। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। कथन और कार्य दोनों है। आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कारण, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। तो देखिए, आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी, यह तो सही है। और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही नियमों का ही अनुसरण करना होता था। तो देखिए, कथन और कारण दोनों सही है। कथन एवं कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है, तो विकल्प बी है। विकल्प बी, कथन और कारण सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो इसका देखिए, कथन और कारण दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। जरथुष्ट एक ईरानी पैगंबर थे। इन्होंने ही पारसी धर्म की स्थापना की थी, जरथुष्ट। तो जरथुष्ट एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जरथुष्ट की शिक्षाओं का संकलन जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जेद अवेस्ता जो है पारसियों का एक पवित्र ग्रंथ है। तो जरथुष्ट की मूल शिक्षाओं का सूत्र क्या है, सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। तो देखिए, इसमें कौन सा कथन सही है ये कह रहा है, तो वन और टू दोनों सही है। वन और टू दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा। जरथुष्ट एक ईरानी पैगंबर है, इनकी शिक्षाओं का संकलन जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जेद अवेस्ता की भाषा और उसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुष्ट की मूल शिक्षा का सूत्र क्या है, सद्विचार, सद्वचन, सत्कार्य। अर्थात, हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता और सद्विचार प्रदान कीजिए, इनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्ष तक जरथुष्टवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुष्टवादी ईरान से आकर गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। ये लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। तो देखिए, उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा है, यह तो सही है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना है, यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच वार्तालाप का, बातचीत का संकलन किया गया है, तो यह भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही हैं। तो कौन सा कथन सही है यह कह रहा है, तो ए बी सी तीनों सही है। 1 2 3 तीनों सही है, विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लीजिए। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा है, इसका शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चिंतकों में अधिकांश का मानना है कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है तथा मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। इन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म अर्थात सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तो यह सब बातें उपनिषद के बारे में हैं। प्रश्न 11 देखिएगा। उपनिषदों में संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है उपनिषदों के संबंध में, तो यह देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और राजा हुआ करते थे, तो यह तो सही है। इसमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, यह भी सही है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, यह भी सही है। तो देखिए, ए बी सी तीनों सही है। डी देखिएगा, निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, यह सही नहीं है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति वाद विवाद में हिस्सा नहीं लेता था, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वह वाद विवाद में हिस्सा भी ले सके। तो आइए इसका देखें, और कहीं कहीं अपवाद मिलता है, ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं अपवाद मिलता है। सत्यकाम जवाल का नाम एक अपवाद में भी है। तो इसकी व्याख्या देखिएगा, ए बी सी सही है परंतु डी गलत है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। देखिए, सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। जो दासी थी उसकी माँ, उसका नाम जवाल था, उसी के नाम पर यह सत्यकाम जवाल का नाम पड़ा।
सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था सत्यकाम जबाल को। बाद में वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बने। सत्यकाम जबाल बाद में बहुत ही बड़े विचारक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद के प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा भी किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। देखिए, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया, तो यह तो सही है, व्यापारियों द्वारा किया गया। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी हुआ, यह भी सही है। तो ए बी सी तीनों बातें जैन धर्म के बारे में सही हैं। डी देखिएगा, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएँ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर में लिखी गई हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर है यह बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर जैन धर्म की शिक्षाएँ नहीं मिली हुई हैं। तो यही जो विकल्प डी है यही सही नहीं है, बाकी ए बी सी सही हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, उपयुक्त कथन ए बी सी सही है परंतु डी गलत है। जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर किया गया था, मतलब 5वीं सदी में गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर किया गया था उपलब्ध शिक्षाओं का संकलन जैन धर्म से संबंधित। प्रश्न 13 देखिएगा, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांग कर सादा जीवन बिताना होता था, जैन धर्म के अनुयायियों को, यह बातें सही हैं। दूसरा है, उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी, यह भी बात सही है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था तथा पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, तो यह भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये पूछ रहा है, तो देखिए ए बी सी तीनों सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है, मतलब विकल्प डी। इसकी व्याख्या देखिएगा, उपरोक्त सभी कथन सही हैं, इन्हीं कारणों से अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना कठिन हो गया था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। इतना कठिन नियम होने के बावजूद भी हजारों लोगों ने जैन धर्म को अपनाया था। प्रश्न 14 देखिएगा, बुद्ध और जैन के युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे, उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की थी। पाणिनि एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना थी संस्कृत भाषा में, वह रचना कौन थी, भूगोल से, खगोल से, आयुर्वेद से या व्याकरण से? तो पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी, संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने की थी, विकल्प डी। इसकी व्याख्या देखिएगा, बुद्ध और जैन के युग में पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए थे जो कि बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। इन सूत्रों का प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे तथा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना भी इन्होंने की। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा था, पाणिनि ने। तो यह सब सारी बातें हैं, कुल मिलाकर आपका जो चैप्टर 6 है वह आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर 6 नए प्रश्न नए विचार को कंप्लीट कर लिए गए। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।